ये हमारे होटल का जिम है। बाहर दुबई हर होटल में एक जिम होता है। यहाँ पे छोटा सा क्यूट सा काम के सारे इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, सारे डंबल्स और फिटनेस की जितनी मशीन्स हैं वो सारी मिल जाएंगी। बाहर दुबई का नज़ारा लेते हुए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये कुछ रूल्स जिम के। फिटनेस के हैं, मतलब बॉडी बिल्डिंग टाइप की चीज़ें मुझे नहीं दिखी। जैसे ट्राइसेप पुल डाउन वो नहीं दिखा, और बेंच प्रेस की कोई मशीन वहाँ पर नहीं दिखी। मतलब फिटनेस ओरिएंटेड ज़्यादा है एज सच, कोई बहुत हैवी वेट्स या इस टाइप की चीज़ें नहीं है। एक यूनिक चीज़ है, जनरली अपने इंडियन जिम्स में, मैं जो हल्के लोकल जिम्स में जाता हूँ वहाँ पर इतना मेंटेन नहीं रहता, यहाँ पर ज़्यादा मेंटेन। और दूसरा मोबिलाई की डिब्बियाँ तक रखी हुई हैं कि अगर किसी को कहीं कोई परेशानी हो तो वो जिम के इक्विपमेंट्स में मोबिलाई आ सकते हैं। जो ये बॉटल है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, इंडिया में बहुत गलतफहमी होती है हम सबको कि दुबई में पानी महंगा है और इस तरह के कुछ प्रोवर्ब्स चलाते हैं। सच्चाई ये है पानी इंडिया से भी सस्ता है। ये मेरे हाथ में आप बॉटल देख रहे हैं, माई दुबई अल्कलाइन जीरो सोडियम। ये 6 बॉटल्स का पैकेट, 7 दिरहम में कुछ हम लाए और 1 दिरहम 20 रुपये का मान लीजिए, और ये 1.5 लीटर की बॉटल है। इंडिया से भी सस्ता पानी है यहाँ पर। मुझे यहाँ पे पुल डाउन मशीन नहीं दिखी तो उसका सब्स्टिट्यूट मैंने ये वाला बनाया। जब मैंने देखा मात्र 7 दिनों में 9 लीटर पानी, 6 बॉटल्स 1.5 1.5 लीटर की, तो 1 लीटर पानी 1 दिरहम से भी काफ़ी कम का, यानी कि 20 रुपये से भी कम का 1 लीटर पानी, मोटा मोटा मान लीजिए 15-16 रुपये का, और बिल्कुल प्योर पानी है, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ हर चीज़ गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, तो आप वो चीज़ उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई फर्जी बॉटलिंग प्लांट यहाँ लग जाए, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो प्योर पानी और अपने यहाँ से भी काफ़ी सस्ता। तो क्योंकि कोई स्पेसिफिक शेड्यूल नहीं है यहाँ पर, नया ही आया हूँ, तो आज मिक्सिंग ही लगाएंगे, अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज, कुछ बाइसेप ट्राइसेप शोल्डर्स चेस्ट, मेजर बॉडी पार्ट्स ट्रेन कर लूँगा, लोअर बॉडी बिल्कुल ट्रेन नहीं करूँगा क्योंकि उसमें थक बहुत जाती है, मुझे आज बहुत पैदल चलना है।
प्रॉपर्टी बंदर जा रहा है तो जनरली अपनी तरफ ही जाता है। और मतलब एक बात तो शायद मैं बार बार बोलूंगा और अभी बाहर निकले के तुम लोग देखेंगे कि मैंने अभी तक किसी भी गाड़ी का हॉर्न नहीं सुना। ये बराबर में मैंने आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल बराबर में हाईवे जा रहा है और गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन मजा ले मुझे हाईवे। अभी 24 घंटे तो नहीं हुए लेकिन मैं कल शाम भी घूमा, अब दिन हो रहा है 9-10 बज रहे हैं दिन के, एक भी गाड़ी का हॉर्न बजा रहा, मतलब बिल्कुल स्मूथली चलते रहते हैं लाइन से। और अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पैर रख दिया ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर, अगर पेडेस्ट्रियन में पैदल यात्री ने अगर पैर रख दिया ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर, मजा लेंगे वो 5-7 मीटर से और आगे आ जाए गाड़ी, वहीं रुकेगी हर हाल में। फर्स्ट राइट रोड क्रॉस करने का या पेडेस्ट्रियन का है, रोड पर चलने का, गाड़ी का नहीं है। अगर थोड़ा भी आगे आ गए कैमरा में पकड़ा जाएगा, तुरंत चला। आप ये देखिए बराबर में गाड़ियाँ चल रही हैं और संडे का दिन है, ठीक ठाक ट्रैफिक है, लेकिन हॉर्न एक भी नहीं बजा रहा, सब शांतिपूर्वक चल रहा है। हर रूम में इवन जिम में स्मोक सेंसर्स लगे हुए हैं और वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए यहाँ पर सारे सेंसर्स हैं, सुंदर से सजा रखा है। स्ट्रॉन्गर देन यस्टरडे, नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, एक्सक्यूजेस डोंट बर्न कैलोरीज। और इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ स्टिकर्स वगैरह लगा रखे हैं फिटनेस के लिए। तो ठीक है, एक छोटे से होटल के हिसाब से ठीक ठाक जिम। और ये दुबई का यूनियन इलाका है, पुराना दुबई कहते हैं इसको, और इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज, इतना ज़्यादा बहुत तरीके से बना हुआ नहीं कहते हैं। और मुझे तो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत तरीके से सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बट स्टिल जो जुमेरा एरिया है या और जो इलाके हैं नए, न्यू दुबई जिसे कहते हैं, वो ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड और जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फरारी और लेम्बर्गिनी उनका पूरा जाम देखेंगे, वो सब वहाँ देखने को मिलेगा। ये पुराना दुबई है, मीना बाज़ार और कई सारे लोकल मार्केट्स ज़रूर हमारे होटल के काफ़ी करीब हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये होटल लिया है। अच्छा एरिया है, सस्ते मोबाइल्स मिलते हैं, अभी खरीदने जाऊँगा तो आपको दिखाता हूँ। कई सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड से अलग निकली, पहली बात फिलहाल यहाँ इतनी गर्मी नहीं है, ऑल दो सारा सेंट्रली एयर कंडीशन होता है, बट इससे बाहर अगर आ जाएंगे तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। और कम से कम खाना, होटल और पानी ये सब बहुत सस्ते हैं,